कलेक्ट्रेट स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन सोमवार को किया गया। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में जिले में स्वाइन फ्लू से निपटने को लेकर विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सफाई व्यवस्था सुधारने पर भी चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक के दौरान विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों की साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने हेडपंप खुदाई के कार्य में तेजी लाने एवं उसके लिए अतिरिक्त रिंग लगाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बाड़मेर जिले में स्वीकृत हेडपंप के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधीक्षण अभियंता हेमंत चौधरी को अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए। इसके बाद जिला कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को प्राथमिकता से दिव्यांगों के प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए। इस दौरान RCHO डॉक्टर प्रीत मोहिंदर सिंह ने जानकारी दी कि स्वाइन फ्लू के सर्वे के लिए सोमवार को विशेष अभियान शुरू किया गया है जो 23 जनवरी तक चलेगा। इसके तहत प्रभावित लोगों को टैमीफ्लू देने के साथ ही सी कैटेगरी वाले रोगियों को चिकित्सालय में भर्ती कराया जाएगा। जिला कलेक्टर गुप्ता ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालू राम के निर्देशन में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव मित्तल को OPD एवं जांच का कार्य नजदीक में हो इसका मैप तैयार करके प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं में प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर ADM राकेश कुमार, कोषाधिकारी दिनेश भारत, डिस्कॉम SEML जाट DP सोनी, हेमंत चौधरी सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।